गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह क्लास 10 के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 7, जिसका नाम है द नेकलेस, जिसे लिखने वाले गाय टी मोनोपेसेंट है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेकलेस होता है गले में पहने जाने वाला हार। तो यह नेकलेस जो है वह एक कहानी है एक मैटिल्डा नाम की लड़की की, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत है। लेकिन क्या होता है, उसका जन्म जो है गरीब परिवार में होता है, साथ ही साथ उसकी शादी भी जो है एक गरीब परिवार में हो जाती है। तो वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही खुश नहीं थी। वह सोचती थी कि उसका जन्म जो है एक गलती से एक गरीब परिवार में हो गया है। तो एक दिन क्या होता है, मैटिल्डा अपने फ्रेंड से एक नेकलेस लेती है, उसके फ्रेंड कह रहा है मैडम फर्स्ट पार्टी में जाने के लिए। लेकिन क्या होता है, वह नेकलेस भुला देती है। अब उस नेकलेस को भुला जाने के कारण उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, मैटिल्डा की ज़िंदगी कैसी हो जाती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैटिल्डा जो है एक बहुत ही सुंदर लड़की है, जिसका जन्म जो है एक गरीब परिवार में हुआ है, साथ ही साथ उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में हुई थी। वह जो है वह सोचती है कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरा जन्म जो है वो किसी अच्छी जगह पे होना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। तो एक दिन क्या होता है, उसका पति जो है बहुत खुशी खुशी आता है, क्योंकि उसके पास एक इन्विटेशन कार्ड आया होता पार्टी में जाने के लिए। तो जो उसके पति है एम लॉयसल, वो बहुत ही खुश थे, उन्हें लगा कि उनकी पत्नी खुश हो जाएगी, लेकिन होता उल्टा, उनकी पत्नी गुस्से हो जाती है और जो कार्ड आता है उसे फेंक देती है। तो पूछा जाता है कि क्यों, क्या हो गया, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि मेरे पास तो पार्टी में जाने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। तो उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, तो वो जो है वो साइड में पैसे जमा कर रहा था बंदूक में ख़रीदने के लिए। तो वो पैसे जो है वो अपनी पत्नी को दे देता है, और उसकी पत्नी जो है वो क्या करती है, एक सुंदर सी ड्रेस खरीद लेती है। लेकिन ड्रेस खरीदने के बाद भी उसकी पत्नी का जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ था। फिर पूछता है एम लॉसल की क्या बात हो गया, तो बोलता है कि मेरे पास कपड़े तो आ गए, लेकिन मेरे पास किसी तरह का ज्वेलरी नहीं है। तो उसका पति जो है तो बोलता है कि तुम एक काम करो, एक फूलों का हार पहन लो, वो भी तुम पर जचेगा। लेकिन इस बात पे वो जो है वो गुस्सा हो जाती है, बोलते नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर उसके पति जो है एम लॉसल बोलता है तुम्हारा एक फ्रेंड है ना मैडम फर्स्ट है, तुम उसके पास जाओ, और उसके पास तो बहुत सारी ज्वेलरी होगी, तो एक काम करो मिसेस फर्स्टर के पास जाओ, वो तुम्हें नेकलेस दे देगी। तो मिस्टर फर्स्टर जो है वो मैटिल्डा को एक डायमंड नेकलेस देती है। तो वह जो है उसे पहन करके पार्टी में जाती है, सब लोग उसे प्रशंसा कर रहे थे। वह जो 4 बजे तक डांस कर रहे थे, 4 बजे सुबह तक डांस कर रहे थे, लेकिन थक गई थी, थक गई लेकिन खुश है कि सब लोगों ने मेरी तारीफ की। जब वह घर वापस आती है तो सोचती कि एक बार खुद लास्ट टाइम अपने आप को मिरर में देख लूँ उस डायमंड नेकलेस के साथ। लेकिन होता क्या है कि वो जो नेकलेस जो है वो मिसिंग था, उसे कहीं मिल नहीं रहा था। वो चारों तरफ देखती है, चारों तरफ, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। वह पुलिस के पास भी जाते हैं, पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि नेकलेस बोला किया है, किसी को मिले तो दे दीजिएगा। और साथ ही साथ वो लोग मैडम फॉस्टर को एक लेटर लिखते हैं, जिसे बोलते हैं कि जो नेकलेस जो है वो टूट गया है, तो उसे रिपेयर करने का दिया गया है, जैसे वो रिपेयर होकर के आ जाएगा वो लोग उसे वापस कर देंगे। तो मैडम फॉस्टर इस बात से थोड़ा शांत हो जाती है। अब क्या होता कि नेकलेस कहीं मिल नहीं रहा था, तो अब उन्हें क्या करना पड़ा, तो उन्होंने एक सिमिलर मतलब हूबहू दिखने वाला एक नेकलेस उन्होंने खरीदा था, जो कि 40,000 फ्रांसिस में खरीदा था उन्होंने। अब उनके लाइफ की जितनी जमा पूंजी थी 18,000 फ्रांसिस, तो वो लोग अपने लाइफ के सारे जमा पूंजी भी दे देते हैं। जमा पूंजी देने के साथ साथ क्या होता है, वो लोग जो है बाकी के बचे 22,000 फ्रांसिस जो है वो उधार लेते हैं, और उस उधार को चुकाने के लिए उनकी ज़िंदगी क्या होती है कि वो लोग अब भाड़े के घर में रहने वाले थे। उनकी जितनी मेट थी मेट को भेज दिया गया। अब सारा का सारा काम जो है घर का वो मैटिल्डा करती है, और मिस्टर लॉयसल जो है वो ओवर टाइम भी कर रहे ताकि और पैसे बचे। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी के 10 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मैटिल्डा थोड़ी बूढ़ी दिखने लगी थी। तो एक दिन क्या होता है, मिसेस फॉस्टर जो है जो कि अभी भी यंग दिख रही थी, वह मैटिल्डा से मिलती है। तो मैटिल्डा जो है मिलने के बाद तो उसे पहचानती नहीं, लेकिन फिर उसके बाद जब पहचान जाती है तो सारे के सारी कहानी बता देती है कि क्या हुआ, नेकलेस की कहानी क्या था, उसकी ज़िंदगी ऐसा क्यों हो गई। तो इस बात से
मैडम फॉस्टर जो है वो थोड़ा शॉक में आ जाती है और उसे एक जानकारी देती है। जानकारी क्या देती है कि जो डायमंड नेकलेस मिसेस फॉस्टर ने मैटिल्डा को दिया था वो तो एक फेक था, एक आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस था जिसकी प्राइस मात्र 500 फ्रांसिस थी। अब उस 500 फ्रांसिस के नेकलेस के लिए उन्होंने 40,000 फ्रांसिस दे दिया और उनकी ज़िंदगी के 10 साल भी बर्बाद हो गए। तो इसी एंडिंग के साथ हमारा जो कहानी है द नेकलेस वो ख़त्म होता है। आई थिंक आवर टुडेज वीडियो वॉज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।